हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत ही अलग टाइप का और बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आ गया हूँ, जो कि मैंने आज तक नहीं बनाया हूँ, जिसके अंदर मैं करने वाला हूँ पांच अलग अलग टाइप के स्नैक्स की अनबॉक्सिंग। मेरे पास पांच अलग अलग टाइप के स्नैक्स हैं और सबके चार चार पैकेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चार यहाँ पर लकी ड्रॉ है, चार यहाँ पर पबजी है, चार यहाँ पर एप्पल स्नैक्स है, और चार है मेकअप बॉक्स, और चार है बाप का माल। और इसी तरह मेरे पास टोटल 20 पैकेट्स हैं, 20 पैकेट है मेरे पास, और आज हम करने वाले इन सब की अनबॉक्सिंग। आज का वीडियो पहले से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो टाइम नहीं खराब करेंगे और जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करेंगे, और गाइस उम्मीद करते हैं कि अच्छे अच्छे गिफ्ट निकले। तो गाइस पहले हम करने वाले हैं लकी ड्रॉ स्नैक्स की अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं और बहुत सारे गिफ्ट्स इसके अंदर से निकलते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, लकी ड्रॉ यहां पर लिखा हुआ है, वासु कंपनी की तरफ से आता है, ₹5 इसका प्राइस है। और गाइस ₹200 का नोट, मोबाइल, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, साइकिल, ₹10 का नोट, ₹20 का नोट, कोल्ड ड्रिंक्स, क्रिकेट बैट, रैकेट, और गाइस काफी सारी ऐसी बहुत सारी यूनिक टाइप की चीजें इसके अंदर से निकलती है। और गाइस इसीलिए चार पैकेट मैंने आज लाया हूँ, और गाइस इसको मैंने कर लिया है कट, पहला पैकेट मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। ओ गाइस, पहले ही पैकेट के अंदर हमारी निकल गई है एक वॉच। वाओ गाइस, आज का वीडियो सच में अमेजिंग होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी एक वॉच निकली है जिसके ऊपर शायद कोई कैरेक्टर बना हुआ है, कार्टून कैरेक्टर। अब ये कौन सा कैरेक्टर है मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसे कि आप वॉच को देख सकते हैं, यहाँ पर दो बटन्स हैं, एक तो गाइस आई थिंक ये टाइम सेट करने के लिए है, देख लेते हैं। यस गाइस, ये टाइम सेट करने के लिए, और दूसरा बटन किस काम का है, और गाइस दूसरे बटन से जलती है लाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, वाओ, रेड ग्रीन ब्लू ब्लिंक हो रही है गाइस, बहुत ही अमेजिंग लग रही है देखने में। अंधेरे में जब हम इसे जलाएंगे तो बहुत ही ज्यादा यूनिक लगेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी हमारी वॉच निकल गई है जिसके ऊपर कोई कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है। अब ये कौन सा कार्टून कैरेक्टर है ये मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पहले पैकेट में वॉच निकली है गाइस, इसको रखते हैं साइड में। नेक्स्ट लकी ड्रॉ का स्नैक्स अनबॉक्स करते हैं गाइस। ये गाइस नेक्स्ट पैकेट मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वो गाइज, इसके अंदर भी आई थिंक हमारा रूबिक क्यूब निकला है, ये देखिए गाइज, वाओ, हमारा रूबिक क्यूब निकल गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, मजा आ गया, बहुत ही अमेजिंग सा छोटा सा हमारा क्यूब निकल गया है। और गाइज ये वर्किंग कंडीशन में, यानी कि ये चलता है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए पहले इसे बिगाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं है और बिल्कुल न्यू कंडीशन में है गाइज। मजा आ गया, रूबिक क्यूब हमारा निकल गया है जिसके अंदर बहुत सारे कलर हैं और बहुत ही छोटा सा है, तो गाइज बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। वाह यार, मजा ही आ गया। अगर आपको रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे तो नहीं आता है, जिनको आता है वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इसको भी रखता हूँ साइड में, नेक्स्ट पैकेट ओपन करता हूँ। और गाइस ये है थर्ड पैकेट लकी ड्रॉ का, इसको मैंने कर लिया है कट, इसको भी यहाँ पर डालेंगे। गाइस इसके अंदर आई थिंक कार निकली है, वो गाइस ये देखिए गाइस, आज तो बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर पैकेट में गिफ्ट निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस H1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्सप्रेस H1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही यूनिक टाइप की हमारी गाड़ी निकल गई है, और उसके पीछे पता नहीं कुछ लगा हुआ है, ये क्या है गाइस, ये है इसकी चाबी। वाओ, यानी कि इस चाबी से चलती है, बहुत ही अमेजिंग सी हमारी कार निकल गई है। इसका डिजाइन आप देख ही सकते हैं, 100% आपको इसका डिजाइन पसंद आएगा। वाओ यार, मजा आ गया, बहुत ही क्यूट सी पिंक कलर की हमारी कार निकल गई। अभी चलती कैसे ये भी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, वाओ, उस चाबी की मदद से चलती है, देखिए वाओ गाइस, बहुत ही यूनिक सी हमारी गाड़ी निकल गई है। अगर आपको ये कार पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसको भी रखते हैं साइड में, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। और गाइस ये फोर्थ पैकेट लकी ड्रॉ स्नैक्स का, ये लास्ट पैकेट भी है गाइस, चार चार पैकेट है हर एक स्नैक्स के, तो इसको मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। गाइस इसके अंदर आई थिंक गॉगल्स निकला है, वाओ ये देखिए गाइस, इसके अंदर निकल गया हमारा एक चश्मा ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर है लेकिन काफी ज्यादा कूल लग रहा है गाइस। जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटी होते हैं वो इस टाइप का चश्मा लगाते हैं गाइस, मैंने बहुत देखा है। और गाइस अगर आपको ये चश्मा पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी ने अगर इस तरह का चश्मा यूज किया है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। काफी यूनिक सा हमारा चश्मा निकल गया और काफी ज्यादा कॉस्टली लग रहा है गाइस देखने में, अगर आपको पसंद आया तो बताना गाइस। इसको भी रखते हैं साइड में। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास लकी ड्रॉ के चार पैकेट थे, लकी ड्रॉ स्नैक्स के चार पैकेट थे, और चारों पैकेट में गिफ्ट्स निकले हैं। वाह यार, अब जिस जिस पैकेट में गिफ्ट निकलेंगे तो हम उसे कंपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस बार हम करने वाले हैं पबजी स्नैक्स की अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, वासु कंपनी की तरफ से आता है और मात्र ₹5 इसका प्राइस है। ये देखिए ₹5 यहाँ पर लिखा हुआ है, वासु कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है, और गाइस इसका नाम है पबजी। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। इसकी भी अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूँ, काफी सारे गिफ्ट्स निकले थे यूनिक यूनिक टाइप के, इसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। गाइस इसके अंदर आई थिंक कुछ निकला है छोटा सा। वाओ गाइस ये देखिए, इसके अंदर निकल गई है हमारी गन,
पबजी स्नैक्स के अंदर निकली है हमारी गन, सेम टू सेम गन मेरी पहले भी निकली थी जब मैंने 15 पैकेट पबजी स्नैक्स के खोले थे। वाह यार मजा आ गया, काफी ज्यादा क्यूट सी लग रही है और बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है गाइज, जो असली गन होती है ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना। चाबी का छल्ला निकल गया हमारा विद गन, वाह यार बहुत ही अमेजिंग बात है। इसको भी रखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। ये है गाइज पबजी स्नैक्स का सेकंड पैकेट, इसको भी खोल लेते हैं। टोटल 4 पैकेट है पबजी स्नैक्स के, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वो गाइज इसके अंदर भी गन निकली है, OMG गाइज आज तो पबजी गन पबजी स्नैक्स ने हमारे पास गन की बारिश कर दी है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ। लेकिन कोई गोली नहीं निकली है और यहाँ से ये ऑरेंज है और यहाँ से ये पर्पल कलर है और बहुत ही क्यूट सी छोटी सी हमारी गन निकल गई है। यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, अब इससे कोई गोली नहीं है तो भाई इसका क्या यूज है पता नहीं, लेकिन हमारी गन निकल गई है और काफी ज्यादा क्यूट सी लग रही है गाइज। छोटी सी दो दो कलर है इसके अंदर, इसीलिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी लग रही है। इसको भी रखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। ये है गाइज पबजी स्नैक्स का थर्ड पैकेट, इसको मैंने काट लिया है। ये देखिए गाइज ये पैकेट हो गया कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वो गाइज हमारी फिर से गन निकल गई है, वाह यार मजा आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ब्लैक कलर की गन निकली है बहुत ही बड़ी और गाइज साथ में शायद इसकी गोलियां निकली है। ये देखिए गाइज, वो गाइज चलती भी है। ये देखिए गाइज यहाँ से इसका ट्रिगर है, ये देखिए वाह यार मजा आ गया। और अगर आप इस गन का डिजाइन देखेंगे तो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है गाइज, जो बिल्कुल रियल वाली गन होती है वैसा इसका डिजाइन है। और शायद इसके ये छल्ले हैं, अब इन छल्लों को यहाँ से आई थिंक डालना पड़ेगा, ज़्यादा मुझे नहीं पता कि कैसे यूज करना है, लेकिन शायद यहाँ से डालना पड़े, यहाँ से और शायद यहाँ से डालना पड़े, ये मुझे नहीं पता है। तो गाइज हमारी गन निकल गई है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी गाइज, बहुत ही बड़ा साइज है इसका, वाह यार। सो गाइज तीन तीन गन हमारी निकल गई है पबजी स्नैक्स के अंदर, पबजी स्नैक्स ने तो आज मौज कर दी गाइज, वाह यार। और गाइज ये हमारा फोर्थ पैकेट पबजी स्नैक्स का लास्ट पैकेट है, इसको काट लिया मैंने, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वाओ गाइज इसके अंदर भी आई थिंक सेम चीज निकली है, ये देखिए गाइज इसके अंदर भी निकल गई हमारी एक छोटी सी गन विद चाबी का छल्ला, वाओ यार मजा आ गया। बहुत ही यूनिक सा गिफ्ट है गाइज ये, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गिफ्ट जरूर पसंद आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही क्यूट सी गन है गाइज, जब हम इसे चाबी में लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेगी गाइज देखने में, मजा आ गया। गाइज इसको भी रख लेते हैं साइड में और जैसे कि आप देख सकते हैं पबजी स्नैक्स में हमारी चार चार गन निकली है, तीन अलग अलग डिजाइन की, सेम दो ये एक है, ये एक है, ये एक है। गाइज मजा आ गया हमारी पबजी स्नैक्स के अंदर गन निकली है। और गाइज इस बार हम करने वाले हैं एप्पल स्नैक्स की अनबॉक्सिंग, लास्ट में कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्नैक्स सबसे ज्यादा अमेजिंग था। सो गाइज एप्पल स्नैक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ये निखिल कंपनी की तरफ से आता है और 5 रुपए इसका भी प्राइस है और इसके अंदर भी काफी यूनिक टाइप के गिफ्ट निकलते हैं। ये मैंने पैकेट कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वो गाइज इसके अंदर बड़ा सा कुछ निकला है, ये देखिए गाइज इसके अंदर निकल गई है हमारी छोटी सी वॉच, बच्चों वाली वॉच जो कि किड्स पहनते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं काफी ज्यादा कूल लग रही है गाइज देखने में। यहाँ पर बेबी लिखा हुआ है, 7:52 इसके अंदर हो रखे हैं और गाइज काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है गाइज देखने में, काफी ज्यादा कलरफुल सी है। अगर आप इसका डिजाइन देख पा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही होगी और मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी लग रही है गाइज, है ना। काफी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख क्या क्या लिखा हुआ है, देखो मोड यहाँ पर लिखा है, बेबी यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ, ये इसके बटन्स हैं टाइम वगैरह सेट करने के लिए। काफी क्यूट सी हमारी वॉच निकल गई है गाइस एप्पल स्नैक्स के अंदर, इसको भी रखते हैं साइड में, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। ये है गाइस दूसरा पैकेट एप्पल स्नैक्स का, इसको भी मैंने काट लिया, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वाओ गाइस इसके अंदर तो 3-4 चीजें निकली हैं, एक निकला है गाइस ये सेलो कंपनी का परमा मार्कर, यानी कि परमानेंट मार्कर यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का हमारा परमानेंट मार्कर निकल गया है, वाओ यार है ना कितनी ज्यादा अमेजिंग बात, बहुत ही यूनिक सा है गाइस ये ग्रीन कलर का, वो भी डार्क ग्रीन कलर का, मजा आ गया गाइस। इसको रखते हैं यहाँ पर और साथ में निकले हमारा ये क्या है गाइस, गाइस आई थिंक हमारा निकल गया है बे ब्लेड, वाओ येलो कलर का हमारा बे ब्लेड निकल गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं येलो कलर का बे ब्लेड है, आप इसका डिजाइन यहाँ से देख सकते हैं, काफी क्यूट सा है, छोटा सा है। और गाइस ये है इसका लॉन्चर विद वायर, ये देखिए गाइस वाओ यार मजा आ गया, बेबलेट हमारा निकला है, देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। और गाइज मैंने इसे सेट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेट हो जाता है और इसको कुछ इस तरह से चलाते हैं, वाओ यार मजा आ गया, हमारा बेबलेट निकल गया एप्पल स्नैक्स के अंदर गाइज, मजा आ गया, इससे अच्छी बात क्या ही होगी। और गाइज एप्पल स्नैक्स ने तो कमाल कर दिया, 3-3, 4-4 गिफ्ट हमारे कलेक्ट हो गए हैं। और गाइज अब हम थर्ड पैकेट ओपन कर लेते हैं एप्पल स्नैक्स का, ये वाला पैकेट मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डालेंगे। वो गाइज आई थिंक फिर से हमारा परमानेंट मार्कर निकल गया है और गाइज साथ में निकली है एक वायर, गाइज आई थिंक हमारी निकल गई है एक लीड, ईयरफोन हमारा निकल गया है जिसे हैंड फ्री भी कहते हैं, वाओ यार। लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तार मुझे थोड़ी छोटी दिख रही है इसकी, ये देखिए गाइज इसकी वायर काफी छोटी सी है लेकिन अच्छी है गाइज, फ्री में तो बस कुछ ही मिल जाए बहुत ही अमेजिंग बात होती है। और गाइज हमारी एक ईयरफोन या हैंड फ्री हम इसे कह सकते हैं जो कि निकल गई है ना,
एप्पल स्नैक्स के अंदर, और साथ में निकला हमारा एक और परमानेंट मार्कर ग्रीन कलर का। वाव यार, एप्पल स्नैक्स ने तो आज मौज कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे गिफ्ट्स कलेक्ट हो गए हैं। और गाइस ये एप्पल स्नैक्स का लास्ट पैकेट, इसको भी काट लेते हैं। लास्ट पैकेट मैंने कट कर लिया है, इसको यहाँ पर डालेंगे। वो गाइस इसके अंदर भी आई थिंक पेन निकला है, ये देखिए गाइस, ये भी है गाइस सेलो मैक्स ट्रीम। वाव यार, सेलो कंपनी का हमारा पेन निकल गया, मजा आ गया गाइस। ये देखिए गाइस, और इसकी नोक पर रबड़ लगी हुई है ताकि ये खराब ना हो। वाव यार मजा आ गया। एप्पल स्नैक्स के अंदर गाइस हमारे निकले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 गिफ्ट्स हमारे निकल गए हैं गाइस। मजा आ गया, बहुत ही अमेजिंग वीडियो बन गया है। और गाइस इस बार हम करने वाले हैं मेकअप बॉक्स स्नैक्स की अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं यशोदा जी कंपनी की तरफ से आता है, ₹5 इसका भी प्राइस है। और गाइस इसके अंदर ऑर्नामेंट्स निकलते हैं और मेकअप का सामान निकलता है जो कि लड़कियां यूज करती हैं। तो गाइस मैंने ये पैकेट भी कर लिया है कट, इसको यहां पर डाल लेते हैं। गाइस इसके अंदर कुछ निकला है गाइस, आई थिंक इसके अंदर निकल गई हमारी गोल्ड रिंग। वाओ गाइस, आप इन्हें देख सकते हैं, दो दो हमारी गोल्ड रिंग निकल गई हैं, और इनका डिजाइन आप देख सकते हैं। वाओ यार, कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। रियल जो गोल्ड की रिंग होती है सेम टू सेम वैसी लग रही है, और इसका डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये देखिए गाइस, है ना, काफी ज्यादा अमेजिंग है, और दोनों सेम टू सेम है बिल्कुल। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। वाओ यार, मेकअप बॉक्स पैकेट के अंदर निकल गई है हमारी रिंग्स, दो दो रिंग्स। वाओ यार, इससे अमेजिंग बात क्या ही होगी। इसको रख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसके अंदर भी कुछ निकल जाए गजब सा। ये पैकेट मैंने कर लिया है कट, ये है गाइस सेकंड पैकेट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइस इसके अंदर निकली गई है कोई चीज़, क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस दो दो चीज़ें निकली है, एक निकला है गाइस हमारा ये है क्या गाइस, आई थिंक ये हेयर बैंड है। वाओ यार, काफ़ी यूनिक और बहुत ही अमेजिंग सा हमारा हेयर बैंड निकल गया है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है, और जब बालों में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो ही है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। रेड के ऊपर शाइनी कलर से बना हुआ है, और ये मोती लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस साथ में निकला है ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। गाइस ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, पता नहीं ये क्या है गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, क्या इसका यूज़ होगा, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं दो दो चीज़ें हमारी निकल गई है मेकअप बॉक्स के अंदर, और गाइस यहाँ पर चार चार चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं। वाओ यार, और गाइस ये हम थर्ड पैकेट ओपन कर लेते हैं, ये तीसरा पैकेट, इसको भी मैंने काट लिया है, इसको यहाँ पर डालेंगे। और गाइस आई थिंक इसके अंदर भी हेयर बैंड निकला है रेड कलर का, ये देखिए गाइस। वाओ, ₹5 वाला हमारा हेयर बैंड निकल गया है रेड कलर का, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ज़्यादा डिजाइन इसके ऊपर नहीं बने लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मजबूत भी है गाइस। वाओ यार, है ना कितनी अमेजिंग चीज़। अगर आपको ये हेयर बैंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। और गाइस ये है मेकअप बॉक्स का लास्ट पैकेट यानी कि चौथा पैकेट है ये, इसको भी मैंने काट लिया है, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वाओ गाइस, इसके अंदर भी दो दो चीज़ें निकली हैं, देख लेते हैं क्या निकला है। गाइस एक निकली है हमारी लिपस्टिक, वाओ यहाँ पर लिखा हुआ है लिपस्टिक, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस रेड कलर की है, रेड पता नहीं पिंक हम इसे कहेंगे, डार्क पिंक। वाओ यार, डार्क पिंक कलर की हमारी लिपस्टिक निकल गई है, जो कि इतनी ज़्यादा ब्रांड न्यू लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है देखने में। वाओ यार, आपको 100% ये पसंद आ रही होगी, मुझे तो पसंद आ रही है गाइस, लेकिन मैं इसे लगा नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। और साथ में गाइस वही चीज़ निकली है जो पहले भी निकली थी, अब ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या इसका यूज़ होता है। अगर आपको इसका यूज़ पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेकअप बॉक्स सामान के अंदर हमारा निकल गया है, मेकअप बॉक्स पैकेट के अंदर हमारी निकल गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ें, मतलब 7 गिफ्ट हमारे निकल गए हैं। वाह यार मजा आ गया। और गाइस इस बार हम करने वाले हैं बाप का माल स्नैक्स की अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम है बाप का माल, 9X कंपनी की तरफ से आता है, ₹5 इसका प्राइस है, और इसके अंदर निकल सकती है 5-स्टार कॉइन्स, कार निकल सकती है, पैसे निकल सकते हैं। वाह यार, काफ़ी गिफ्ट इसके ऊपर भी छपे हुए हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ये पैकेट मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डालेंगे। वो गाइस, इसके अंदर आई थिंक कुछ निकला है कलरफुल सा, और एक निकला है कूपन। पहले मैं आपको कूपन दिखा देता हूँ गाइस, कूपन निकला है हमारा ₹1 का। वाओ यार, कूपन हमारा ₹1 का निकल गया है, और साथ में निकली है हमारी ये गाड़ी, जिसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लीन सैनिटरी कार। गाइस हमारा एक ट्रक निकल गया है कूड़ा उठाने वाला, जिसके अंदर हम कूड़ा डालकर ले जाते हैं, और गाइस ये खुलेगा नहीं, लेकिन इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। वाओ यार, कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, क्यूट सा छोटा सा हमारा ट्रक निकल गया है कूड़े उठाने वाला, और गाइस यहाँ पर दो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। वाओ यार, इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लीन, यहाँ पर लिखा है सैनिटरी कार। वाओ यार, दो दो चीज़ें एक ही पैकेट के अंदर निकल गई है, पैसा वसूल पैकेट बन गया है। इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। और गाइस इस बार हम करने वाले हैं सेकंड पैकेट की अनबॉक्सिंग, यही मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डालेंगे। गाइस आई थिंक इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला है। गाइस इसके अंदर निकल गया हमारा ये छोटा सा, गाइस इसके अंदर निकल गई हमारी एक छोटी सी सीटी रेड कलर की। वाओ यार,
रेड कलर की हमारी सीटी निकल गई है, मजा आ गया गाइस, इसको बजा कर देखते हैं। वो गाइस बहुत ही लाउड साउंड कर रही है ये, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है गाइस। मैंने इसे बजाया तो बहुत ही ज्यादा तेज साउंड आया है, मजा आ गया गाइस। सो गाइस बाप का माल स्नैक्स में हमारा गिफ्ट निकल गया जो कि है एक सीटी, और गाइस तीन तीन गिफ्ट यहाँ पर कलेक्ट हो गए। तो चलिए गाइस थर्ड पैकेट ओपन करते हैं। ये वाला पैकेट मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डालेंगे। वो गाइस आई थिंक इसके अंदर निकल गया हमारा एक नोट, देखते हैं क्या ये। गाइस आई थिंक हमारा निकल गया है 10 रुपए का नोट, वाओ मजा आ गया गाइस। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जी भी छपे हैं, यानी कि ये असली नोट है, मजा आ गया गाइस। पैसा वसूल पैकेट बन गया है, बाप का माल स्नैक्स में निकल गए हमारे पैसे, क्योंकि गाइस इसके ऊपर पैसे भी प्रिंट हैं, वाओ यार इससे ज्यादा अमेजिंग बात क्या ही होगी। इसको रखते हैं यहाँ पर। और गाइस और कुछ निकला है या नहीं निकला है? गाइस कुछ और नहीं निकला है। और गाइस ये हमारा लाख पैकेट बाप का माल का, और गाइस ये 20वां पैकेट भी है, टोटल मेरे पास 20 पैकेट थे, ये 20वां पैकेट है, इसको मैंने काट लिया, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइस आई थिंक ये खाली गया है, नहीं गाइस इसके अंदर है कुछ, गाइस इसके अंदर भी आई थिंक नोट निकला है, वाओ। और गाइस कुछ नहीं निकला है, नोट हम देख लेते हैं। गाइस हमारा फिर से निकल गया है 10 रुपए का नोट, OMG मजा आ गया गाइस। इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गांधी जी भी छपे हैं, यानी कि हमारे 20 रुपए निकल गए हैं बाप का माल स्नैक्स के अंदर, मजा आ गया गाइस, पैसा वसूल हो गया है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बाप का माल स्नैक्स में निकले हमारे 20 रुपए, एक कार और एक सीटी और एक कूपन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 5 अलग अलग स्नैक्स थे, सबके 4-4 पैकेट थे, और बहुत सारे गिफ्ट्स हमारे निकल गए हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो बन गया है। मैं आपको दिखाता हूँ बाप का माल स्नैक्स में गाइज निकले हमारे ये सारे गिफ्ट, 20 रुपए, एक कूपन, एक सीटी और एक गाड़ी। और गाइज मेकअप बॉक्स में निकले हमारे 2 हेयर बैंड, 2 रिंग्स, एक ये पता नहीं क्या, एक लिपस्टिक, वाव यार हर पैकेट ने बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट दिए हैं हमें। और गाइज यहाँ पर निकल गए हैं हमारे 3-3 स्केच मार्कर, एक वॉच, एक ईयरफोन और एक बहुत ही क्यूट सा बेब्लेड, वाव यार इससे ज्यादा अमेजिंग बात क्या ही होगी। और गाइज पबजी स्नैक्स में निकल गई हमारी 4-4 गन, हर गन का अलग डिजाइन है और सेम टू सेम मेरी पहले भी निकली थी जब मैंने पबजी स्नैक्स के बहुत सारे पैकेट्स खोले थे, वाव यार मजा आ गया। और गाइज गोलियां भी निकली है साथ में, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। और गाइज लकी ड्रॉ स्नैक्स में तो हमें बहुत ही ज्यादा कुछ मिल गया है, आई थिंक लकी ड्रॉ स्नैक्स इस वीडियो का विनर बना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही अमेजिंग और कॉस्टली गिफ्ट निकले हैं। ये देखिए गाइज, एक रूबी क्यूब निकला है, एक कार निकली है, एक चश्मा निकला है और एक वॉच निकली है जिसके अंदर लाइट जलती है, ये देखिए गाइज, वाव यार मजा आ गया। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 20 पैकेट्स खोले तो इतने सारे गिफ्ट निकले हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, और कौन सा स्नैक्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, किसके गिफ्ट ज्यादा पसंद आए मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो में अमेजिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।